नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में टॉपिक विवाह विच्छेद के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम लोग विवाह विच्छेद का अर्थ एवं कारण को जानेंगे। चलिए चलते हैं विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद जिसे तलाक कह सकते हैं, शादी के उपरांत जीवन साथी को छोड़ने के लिए सामान्यतः दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी में डिवोर्स तथा उर्दू में तलाक। वास्तव में हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद जैसा शब्द कहीं नहीं मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार विवाह किया जाता है तो पति पत्नी के बीच किसी भी तरह का अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर तुमने मैरिज की होती तो तुम डाइवोर्स ले सकते थे, अगर तुमने निकाह किया होता तो तुम तलाक ले सकते थे, लेकिन तुमने विवाह किया है तो इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू धर्म और हिंदी में कहीं भी पति पत्नी के एक हो जाने के बाद अलग होने का कोई प्रावधान है ही नहीं। हिंदी एक भाषा ही नहीं संस्कृति है, हिंदू भी धर्म नहीं सभ्यता है। हिंदू विधि में सब विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद के प्रावधान मिलते हैं। विवाह विच्छेद के कारण महिला मुद्दे 5 कारण जिनके चलते तलाक और दूसरा विवाह अब महिलाओं के लिए भी कलंक जैसा नहीं रहा। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति पत्नी की आपसी सहमति से लिए गए तलाक के लंबित केस के दौरान उनमें से किसी के भी द्वारा किया गया दूसरा विवाह मान्य होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि पत्नी पति की आपसी सहमति से किया गया तलाक का केस अदालत में लंबित है तो उस दौरान उनमें से किसी के भी द्वारा किया गया दूसरा विवाह मान्य होगा। इस मामले में तलाक की अपील लंबित रहने के दौरान पति ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन पहली शादी के केस में तलाक संबंधी अंतिम निर्णय न आने के कारण हाई कोर्ट में इसे अमान्य करार दे दिया। इसके बाद पति ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दुनिया भर के मुकाबले भारत में तलाक लेने वाले की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन यह लगातार बढ़ती भी जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में हर साल 7,500, मुंबई में 9,000 और बेंगलुरु में 3,000 तलाक के केस दर्ज होते हैं। एक अंदाजे के अनुसार भारतीय अदालतों में इस समय तलाक के लगभग 55,000 केस लंबित हैं। इनमें से कई परस्पर सहमति से किए गए मामले भी हैं जिसमें से कुछ वर्षों से चल रहे हैं। कुछ सालों पहले तक तलाक को एक कलंक के रूप में लिया जाता था, साथ ही तलाकशुदा पुरुषों या महिलाओं से कोई शादी भी नहीं करना चाहता था। लेकिन हाल के समय में तलाक और दूसरे विवाह दोनों के प्रति ही समाज का नज़रिया काफ़ी सहयोगी हुआ है। खासतौर से महिलाएं अब तलाक की अर्जी देने और दूसरा विवाह करने दोनों ही मामलों में काफ़ी मुखर हो गई हैं। हाई कोर्ट के कई वकीलों का कहना है कि तलाक की अर्जी देने वालों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। विवाह परामर्शदाताओं के अनुसार हाल के समय में तलाक की संख्या बढ़ने के साथ साथ पति पत्नी दोनों के ही दूसरा विवाह करने के चलन में भी तेजी आई है। पहले जहां सिर्फ पुरुष ही अपना दूसरा विवाह करने को अहमियत देते थे, वहीं अब महिलाएं भी काफ़ी संख्या में ऐसा करने लगी हैं। इस बदलाव का सबसे मुख्य कारण है कि अब महिलाओं के लिए तलाक और दूसरा विवाह एक कलंक जैसा नहीं रह गया है। इसके कई कारण नज़र आते हैं। एक तो आजकल माता पिता खुद भी इस बात के लिए तैयार हो चुके हैं कि यदि लड़की ससुराल में पीड़ित है तो उसे एक सीमा के बाद वह सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।
यदि मायके वालों का आर्थिक सहयोग मिलता है तो लड़कियां तलाक का निर्णय और भी आसानी से ले पाती हैं। दूसरा, शादी को 7 जन्मों का रिश्ता मानने वाली सोच में बदलाव हुआ है। अब 7 साल क्या, 7 महीने के भीतर भी कभी कभी तलाक के केस दायर किए जाने लगे हैं। अब तलाक को जीवन खत्म होने की तरह नहीं लिया जाता, बल्कि इसे नए जीवन की शुरुआत के तौर पर भी देखा जाने लगा है। तीसरी बात यह है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर लड़कियों के लिए तलाक का निर्णय गैर आत्मनिर्भर लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा आसान हुआ है। सोच के स्तर पर यह बदलाव हुआ है कि पढ़ी लिखी लड़कियां अब सब चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना चाहती हैं। निसंदेह पहले विवाह का खत्म होना लड़कियों को भी भीतर से तोड़ता है, लेकिन अब वे पुरुषों की तरह ज़्यादा व्यवहारिक हो रही हैं। चौथा कारण यह है कि दूसरे विवाह को लेकर समाज में भी यह कई स्तरों पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब पहले विवाह से हुए बच्चे को दूसरी पत्नी या दूसरे पति द्वारा अपनाने का चलन देखने में आ रहा है। पहले जहां हमारे बच्चे से मतलब एक पति पत्नी के बच्चों से था, वहीं दूसरे पति पत्नी और दूसरी पत्नी बच्चे मिलकर हमारे बच्चे की अवधारणा में शामिल हो रहे हैं। एक अन्य परिवर्तन यह सब है कि अब अविवाहित लोग भी तलाकशुदा होने के साथ शादी करने में हिचकिचाते नहीं हैं। समाजशास्त्रियों का कहना है कि शादी की उम्र बढ़ने के कारण लड़के लड़कियों द्वारा तलाकशुदा लोगों को भी विकल्प के तौर पर देखने का चलन बढ़ गया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला उन सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए राहत लेकर आया है जो आपसी सहमति से तलाक लेकर दूसरा विवाह करना चाहती हैं, लेकिन जटिल अदालती प्रक्रिया सालों तक उन्हें ऐसा करने नहीं देती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।